भैया डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? बस अभी आ ही रहे होंगे। ये आ गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू डॉक्टर। हाँ तो बताइए कैसे आना हुआ? डॉक्टर मेरा नाम राजा है और मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। दरअसल मेरी अभी नई नई शादी हुई है। वेरी गुड। और मैं थोड़ा सा सेक्स से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहता हूँ आपसे। आज से पहले कभी मैंने सेक्स किया नहीं। तो अभी अभी नई नई शादी हुई है तो आप मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन कीजिए कि सेक्स क्या होता है और इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए और जी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। देखो अभी तो आपकी नई नई शादी हुई है, ऐसे में रिलेशनशिप तो बनता ही है, लेकिन ये जरूरी है कि अभी आपकी नई शादी हुई तो आपको कितनी बार सेक्स करना चाहिए। अमूमन अभी तो आप लोग हनीमून के लिए तो जाओगे ही। ऐसा होता है कि जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ऐसे में हम इस समय 7-8 बार भी सेक्स करते हैं, डेली नहीं, क्योंकि डेली जो हम सेक्स करते हैं उससे बहुत वीकनेस आती है। अगर हमारा पूरा दिन में 2-3 बार सेक्स होता भी है तो आप भी नहीं रुक सकते। इस दौरान एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जो भी आप सेक्स करते हैं, आपका खाना, जूस वगैरह, इन सब चीज़ों पे आप बहुत ध्यान दें, क्योंकि सेक्स करने से जो हमारी बॉडी की नीड होती है कि थकान बहुत जल्दी आपको होती है, इसलिए हमेशा इन चीज़ का ध्यान रखें कि आप इंजॉय करो लेकिन उसके साथ फ्रूट जूस टाइम टू टाइम लें। और जहाँ तक रही सेक्स कितनी बार करना चाहिए, अगर आप हफ्ते में 3 बार सेक्स करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हेल्दी सेक्स क्या है और सेक्स करना अच्छा है या खराब है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हेल्दी चीज़, हेल्दी सेक्स जो होता है वो अगर आप महीने में 2-3 बार करते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है जी। आपके शरीर के लिए, आपकी सेहत के लिए ठीक है, लेकिन अगर कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है ऐसा नहीं कि वो नुकसानदायक है। अगर माना जाए तो 18-20 साल की एज में 1 साल में 100-10 बार सेक्स होता है और 112 बार होता है तो वो हेल्दी सेक्स है। लेकिन इसका भी एक कारण है, अगर आप अभी अपनी वाइफ के साथ हैं। देखिए एसटीडी ये कि जैसे हम एक औरत के सिवाय किसी और औरत के साथ सेक्स करते हैं, आपके साथ तो वो विदाउट प्रिकॉशन सेक्स करते हैं, लेकिन हम अगर किसी अदर औरत के साथ विदाउट प्रिकॉशन के सेक्स करते हैं तो उससे हमारे अंदर इन्फेक्शन का डर बना रहता है। सेक्स करते वक्त हमेशा प्रिकॉशन लेना चाहिए। प्रिकॉशन ना लें तो कॉन्डम यूज़ कर लें, क्योंकि अगर हम हस्बैंड वाइफ सेक्स कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम किसी भी तरह सेक्स कर सकते हैं। कैसा होता है कि हस्बैंड वाइफ अगर सेक्स कर रहे हैं तो कभी भी प्रिकॉशन यूज करते ही नहीं, लेकिन अगर किसी और के साथ कर रहे हैं तो प्रिकॉशन ज़रूर यूज करना चाहिए। नहीं, सेक्स करना अच्छा होता है। कभी आपको ये पता होगा कि सेक्स करना ख़राब तो होता ही है, बिकॉज जैसे आपको खाने की नीड होती है वैसे ही आपकी बॉडी को सेक्स की नीड होती है और उसे कंप्लीट करना भी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है अगर आप निकलते हैं और आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, बच्चे पैरालाइज हैं तो विकलांग हैं जो नहीं चल पाते और वो सक्षम नहीं है तो किसी फिजिकल रिलेशनशिप बना सके तो उनके घर वाले खुद लेकर जाते हैं। हाँ, हमारे बच्चे का एक और सेक्सुअल पार्ट है जो विकसित नहीं होता। इससे क्या होता है कि माइंड डैमेज होने लगता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी को सेक्सुअल पार्ट की ज़रूरत होती है और वो उभर नहीं पाता तो आपका माइंड जो है ब्लास्ट होने लगता है। इसलिए सेक्स करना कभी ख़राब नहीं हो सकता। आगे चलकर ये कोशिश रहे कि हफ्ते में 2-3 बार ही करें, आप लोगों का ज़्यादा अच्छा वक्त रहेगा और आपका सेक्स हेल्दी भी रहेगा और आप लोगों की जीवन बहुत अच्छे से चलेगी, आपकी मैरिड लाइफ और लाइफ दोनों ही बहुत खुशियों भरी होगी। डॉक्टर आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी कुछ जो उलझने थी ना वो सुलझ गई है और अब मैं नई नई शादी का लुत्फ भी उठा सकता हूँ। डॉक्टर सच कह रहा हूँ, आपसे मिलकर जो खुशी हुई है मेरी सारी समस्या का समाधान हो गया। थैंक यू सो मच। ओके।